हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों की एक्चुअल टॉपिक जो है वो शुरू होगा और वो है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछली जो हमने क्लासेस पढ़ी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है। और जनरली बच्चा क्या करता है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ता है जो एग्ज़ाम में ज़रूरी होती है। बेसिक नॉलेज कहीं पता नहीं होता और नई नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में रहता है कि जो सिर्फ एग्ज़ाम में आएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पुरानी नॉलेज से लिंक नहीं करते हो तो नई नॉलेज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ए बी सी डी नहीं पता होगी तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ए बी सी डी पता होना ज़रूरी है तभी सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो सब ए बी सी डी थी। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं और वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसको जड़त्वीय है एवं अजड़त्वीय है। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब बोला ना मैंने आपको कि वो क्या थी, ए बी सी डी। तो अब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि निर्देश तंत्र क्या है, तो वो हम बता चुके हैं पिछले 2-3 वीडियोज़ में। हमने निर्देश तंत्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और निर्देश तंत्र में पार्टिकल की पोजिशन को कैसे कैसे दिखाते हैं, स्थिर है तो कैसे दिखाते हैं, मूविंग है तो कैसे दिखाते हैं, ठीक है, यही तो बताया था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ लेता है, जब आपके वाइवा होता है ना किस में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो वो कहता है कि आपको यही नहीं पता, आपको थ्योरी नहीं पता, आप प्रैक्टिकल क्या करोगे, ठीक है। तो नॉलेज सारी होनी चाहिए, कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं होती, हर नॉलेज काम की है, ठीक है। मैं यूँ नहीं कह रही कि सारी दुनिया यूनिवर्स की नॉलेज आप ले लो, लेकिन आप अपनी क्लास की तो ले लो एटलीस्ट, ठीक है। चलो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे तक काम आता है, हर छोटी छोटी चीज़ में लगता है, ठीक है। चले समझे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उससे पहले एक वर्ड समझना ज़रूरी है, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। ये जड़त्व वर्ड का क्या मतलब होता है, आपने ये जड़त्व वर्ड कहाँ पढ़ा होगा, जब आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे। अरे पढ़े होंगे कि नहीं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो वो उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि इफ़ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज स्टेबल देन इट विल बी स्टेबल, और इट इज़ मूविंग देन इट विल बी मूव विद द सेम वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस अनटिल वी डोंट अप्लाई अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ऑब्वियसली बात है, ये पेज या कुछ भी चीज़, ये पेन यहाँ रखा हुआ है, मैं नहीं छेड़ूंगी तो 2 दिन बाद भी ये यही मिलेगा, अगर कोई बच्चा आके या कोई भी आकर इसको हिला ना दे, फोर्स ना लगा दे, ठीक है। और अगर ये मूव कर रहा है पृथ्वी पर तो ये मूव करता रहेगा, ठीक है, कब तक, जब तक कोई बाह्य बल। अब आप कहोगे नहीं मैडम ये थोड़ी ना मूव करेगा, ये तो रुक जाएगा। भाई वो इसलिए रुक जाएगा क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स हाथ से लगाना ही थोड़ी ना होता है, घर्षण बल भी तो है, वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स है। आप बॉल को फर्श पर लुढ़का के देख लो, क्या वो थोड़ी दूर आगे जाके रुक नहीं जाती। तो आप कहोगे कि मैडम बॉल तो रुक गई, वो तो मूव नहीं कर रही। तो उसका रीज़न है भाई, क्योंकि बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, केवल हाथ से लगाया गया बल ही थोड़ी एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स हमारे आसपास सब जगह मौजूद है, एयर का फोर्स मौजूद है, ठीक है, एयर का जो फोर्स है, इसके अलावा ज़मीन जहाँ बॉल टच हो रही है वहाँ पे भी तो घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, समझ में आ गया। इसलिए बॉल थोड़ा आगे जाएगा। अगर आप ऐसा स्लिपरी सरफेस ले लो जिसका घर्षण बल ज़ीरो हो या बहुत कम हो, तो आप देखो बॉल लुढ़कती जाएगी, लुढ़कती जाएगी बिना किसी उसके, समझ में आ गई। तो कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, समझ में आ गई बात आपको। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले भी आपको न्यूटन के तीनों नियम पता होने चाहिए, ठीक है। चलो लेट अस इंट्रोड्यूस आपको क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले न्यूटन के तीनों नियम, तभी समझ में आएगी भाई बातें। फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है। सेकेंड लॉ पे आओ क्योंकि वो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स।
अप्लाई ऑन इट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। पढ़ा है ना ये, तो स्टेटमेंट तो पढ़ा है ना आपने। अब आप कैसे लिखते हो एफ बराबर एम ए, क्या रटा हुआ है या पता भी है आपको कैसे आया ये एफ बराबर एम ए? सेकेंड लॉ एफ बराबर एम ए है, पर ये आया कहाँ से पता है क्या भाई? आप कहते हो कि भाई बल बराबर द्रव्यमान तो त्वरण होता है, पर ये आता कहाँ से है? ये आता यहाँ से है, देखो इस स्टेटमेंट से आता है। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे डी पी बाई डी टी, और अगर के वन है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी। भाई कांस्टेंट ही तो माना है हमने, मान लिया वो कांस्टेंट वन है, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, पता है ना आपको, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम को बाहर निकाल लो, एम तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में उसका कोई काम थोड़ी ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना आपने 12th 11th में, ठीक है। एम को बाहर निकाल लो क्योंकि द्रव्यमान समय के साथ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि द्रव्यमान भी समय के साथ बदलता है, वो अलग केसेस होंगे, बताऊंगी मैं आपको। फिर क्या बच गया? डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या है? एक्सेलरेशन एम में, तो आ तो गया एफ इज इक्वल टू एम में। मेरे को पता है 70% बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि आया कहाँ से। अगर अभी मैं क्लास में होती सारे बच्चे खड़े हो जाते इस चीज़ को लेकर के, कोई भी नहीं बताता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा सबने है, पर रटा है। जितना चीज़ों को रटोगे उतना ही पछताओगे फिजिक्स में, फिजिक्स है इसका नाम, ठीक है। केमिस्ट्री रट के निकल सकती है, मैथमेटिक्स में भी आप फॉर्मूले, क्योंकि उसमें चीज़ें फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, मेथड याद कर लो, उसी मेथड पे 10-20-30 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में रट नहीं सकते, फिजिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स नहीं रट सकते, लॉजिक्स आप नहीं रट सकते, कितने रटोगे भाई? एक दो थोड़ी ना है कॉन्सेप्ट जो रट लोगे, कहाँ तक रटोगे, ठीक है। समझोगे उतना अच्छे रहोगे, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम में, चीज़ें बस लिंक होनी चाहिए एक के बाद एक के बाद। आप खुद महसूस करोगे जब आप आगे पढ़ोगे ना, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, जितना समझोगे उतना बेस्ट है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ तो सिंपल है कि हर बल के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और दूसरी बात क्या है? जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, पहली बात, और जिस दिशा में क्रिया होगी उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यही तो आप इंग्लिश वाले, इंग्लिश में क्या बोलोगे? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ वर्ड आया है इक्वल एंड अपोजिट, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्शन के विपरीत रिएक्शन होगा, दैट्स ट्रू, एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, बट जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा, अपोजिट होगा। एक्शन इसमें है तो रिएक्शन इधर होगा, ठीक है। तो हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम चलते हैं तो भी तो हम अर्थ पर फोर्स लगाते हैं, एक पैर से हम अर्थ पर लगाते हैं, दूसरे पैर पर अर्थ हमारे ऊपर लगाते हैं। जितना आप पहला कदम आगे रखोगे दूसरा कदम उतनी तेज़ी से आगे जाएगा या उतना ही आगे जाएगा। तो हमारे चलने में भी फिजिक्स है, वहाँ कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ, ठीक है। नाव चलाते हैं हम तो क्या करते हैं, हमारा जो भी होता है चप्पू जिसको बोलते हैं, पानी को जितना आप पीछे धक्का दोगे, जितना ज़्यादा धक्का दोगे, जितने प्रेशर या जितने फोर्स से दोगे, नाव भी उतनी तेज़ी से आगे चलेगी, ठीक है। रॉकेट, रॉकेट जो चलता है उसमें क्या होता है, रॉकेट जो है उसमें पीछे की तरफ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो जितनी तेज़ी से रॉकेट कब आगे जाएगा, जितनी तेज़ी से गैसेस पीछे जाएंगी। गैसेस जितनी पीछे से तेज़ी से निकलेगी, फ्यूल जितनी तेज़ी से जितने प्रेशर से पीछे निकलेगा, रॉकेट उतना ही आगे जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये न्यूटन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बात करी थी जड़त्व, जड़त्व शब्द क्या होता है? जड़त्व एक ऐसा वस्तु का गुण होता है जो उसकी प्रकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन का विरोध कौन करता है? प्रकृति मतलब गति में परिवर्तन का, ठीक है। सो जो इनर्शिया है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज द चेंज इन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर एक बक्सा है उसको मैं धक्का दे रही हूँ, तो मुझे धक्का देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पर भाई जड़त्व है, वो क्या करेगा, इसकी इसको मूव कराने का विरोध करेगा, वो नहीं चाहता है, तभी तो मुझे बल लगा। अगर विरोध नहीं होता तो मुझे दम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो आगे भागा जाता, ठीक है। और अगर चलती हुई चीज़ को रोकूंगी तो वो अपने रोकने का विरोध करेगा, नहीं तो मुझे बल नहीं लगाना पड़ता, रुक जाती वो तो मेरी उंगली लगाते ही।
समझ में आ रही है? तो जड़त्व क्या है? अपोजिशन, जो मोशन में चेंज को अपोज करता है। समझ में आ गई बात आपको? तो वो ही है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही वर्ड आया है इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया, अब इसके डेफिनेशन सुनो। कौन सा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? वो फ्रेम यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे, हम ध्यान से सुनना, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो वो निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष कण इस प्रकार से गति करे कि वो त्वरण रहित गति हो, तो वो निर्देश फ्रेम कैसा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इन विच इफ वी डोंट अप्लाई अ फोर्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल ऑल्सो एक्सेलरेशन लेस। समझ में आ गई? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। मेरी पूरी डेफिनेशन का सार ये है, समझ में आ गई? तो वो निर्देश फ्रेम जिसमें कण पर बल नहीं लगाऊं मैं, तो एक्सेलरेशन भी ना हो, यानी कि त्वरण भी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये मत कहना कि त्वरण नहीं पता हमें क्या होता है। त्वरण होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी V1 है, आधे घंटे बाद भी उसकी वेलोसिटी V1 ही है, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है भाई? डेफिनेशन रटते क्यों हो, उसका इंट्यूशन समझो ना। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज तो है ही नहीं, वेलोसिटी पहले भी V1 थी, अभी भी V1 है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो जहाँ वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? आप क्या कहोगे? फाइनल आप लिखते हो ना V2 - V1, तो फाइनल भी V1 ही है, इनिशियल भी V1 ही है, V1 - V1 0। टाइम से तो लेना देना ही नहीं है, नीचे कुछ भी आए, टाइम कुछ भी चेंज हो, हमें क्या मतलब? न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, अंश ही जीरो हो गया, तो हर कुछ भी हो, हमें क्या मतलब? बात समझ में आई है? तो जब वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड होती, 2 सेकेंड बाद अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो आप एक्सेलरेशन कहते कि एक्सेलरेशन आपका कितना है? 20 - 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो कहते, फाइनल इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आ रही बात आपको? तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। समझ में आ गई बात आपको? डेफिनेशन समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी तो फिजिक्स शुरू किए हैं हमने, ठीक है, फर्स्ट ही टॉपिक लिया है। ठीक है, मज़ा आएगा, बाकी चीज़ों को इंजॉय करोगे अगर समझोगे, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकल के आएंगे कि जो आपने सुने भी होंगे लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उन चीज़ों पे। फिजिक्स क्या है? आसपास की जो विज्ञान है वो फिजिक्स है। ठीक है, तो इंटरेस्ट से पढ़ो, इसलिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम में हमें नंबर लाना है, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। समझ में आ गई? चलो डिफाइन कर देते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब लगना, फोर्स लगना, अप्लाई होना। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेशन लेस इज सेट टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? यदि किसी कण पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो वो निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है या त्वरण रहित होती है, वो क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये जो लाइंस बोली है मैंने, हिंदी वाले उसको लिखो, इंग्लिश वाले ये लिखो, सिंपल। ठीक है, कंसेप्ट आगे का क्या है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको मत लिखना स्टार्टिंग में, डेफिनेशन पहले इसी को लिखना। ये तो मैंने बताया कि इन शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है आगे जा करके उसको अपन देखेंगे। ठीक है, अभी देखो, इफ इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स इफ एफ इज इक्वल टू जीरो तो ए इज इक्वल टू जीरो,
यही कह रहा है ये, पर अब ये लिखा कैसे, सुनो आप, एफ इज इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? न्यूटन का दूसरा नियम, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, आज ही तो पढ़ा है हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर एफ जीरो है तो एम ए भी तो जीरो होगा, अगर एफ जीरो है दैट मीन्स एम ए इज इक्वल टू जीरो, एम ए जीरो होने का क्या मतलब, एम तो जीरो नहीं है, द्रव्यमान तो जीरो नहीं हो सकता, दो चीज़ों का गुणनफल जीरो है, तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो है, दोनों में से कोई एक जीरो करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, तो या तो ये जीरो है, हमें नहीं पता कौन जीरो है, हमें ये पता है कि या तो ये जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो है, दोनों तो जीरो नहीं है क्योंकि एम तो जीरो नहीं है, मास तो पर्टिकुलर पार्टिकल का लेकर चल रहा है ना, ये तो फोर्स कहाँ से लगेगा, ठीक है, तो फिर कौन जीरो, देयर फोर ए इज इक्वल टू जीरो, तो यही तो सिद्ध करना था कि अगर एफ जीरो है तो ए जीरो, तो हमने निकाल दिया, समझ में आ गई बात, तो ए जीरो होने का क्या मतलब है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग का समय के साथ अपेक्ष अवकलन करते हो तो एक्सेलरेशन ही तो आता है, ठीक है, इसका मतलब किसी चीज़ का अवकलन जीरो है, इसका मतलब वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दूँ, यहाँ पे यही तो था, जब वी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो था तो वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में थी, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा उसमें कण की गति कैसी होगी, हमेशा कांस्टेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, रटना नहीं है इसको, हमें दिख रहा है भाई, सामने आंखों की चीज़ें दिख रही हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी डेफिनेशन निकल गई, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके सापेक्ष कण की गति नियत होगी, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इज सेट टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आ गई, तो इस कांस्टेंट में जीरो भी आता है क्योंकि जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, तो अगर कण की गति या तो हो ही नहीं रही है, हो रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही है, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही तो न्यूटन का पहला नियम है, बताऊंगी आगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको अपन इन अवर नेक्स्ट वीडियो, इसको आप पूरा क्लियर करना, कुछ समझ में नहीं आता है कॉमेंट करना, ओके, थैंक यू।